मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अवर न्यू चैप्टर 15, हाउ मेनी पोनीटेल्स, तो लेटर इन नेम्स। तो यहाँ आपको फोर चिल्ड्रन दिखाई दे रहे, रमेश, आफ्ताब, मारिया एंड संतोष। तो आपको आस्क योर फ्रेंड्स टू राइट देयर नेम्स ऑन अ पेपर, आपको भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के नेम आप पेपर के ऊपर लिख सकते हो, नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए इसके ऊपर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ नेम्स एंडिंग विद द सेम लेटर्स, तो ये चारों नेम देखो, रमेश, आफ्ताब, मारिया एंड संतोष, तो किसके पीछे सेम लेटर्स है, तो रमेश के पीछे एंड संतोष के पीछे, देखो दोनों के पीछे SH SH सेम लेटर है, तो पहली ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा, रमेश एंड संतोष, यहाँ आपको लिखना है रमेश एंड संतोष, पूरा नेम जो इधर लिखा है रमेश एंड संतोष का नेम है वो इधर लिखना है। वन लेटर विथ विच नो नेम स्टार्ट, कौन सा ऐसा लेटर है कि जिससे नेम स्टार्ट नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा लेटर है कि उसके ऊपर से नेम है वो स्टार्ट नहीं होता, यहाँ आपको लिखना है एक्स, और कैपिटल या स्मॉल दोनों में आप लिख सकते हो एक्स। एक्स ऐसा लेटर है कि जिससे कोई नाम स्टार्ट होता नहीं है। ओके, द नंबर ऑफ नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, ओके, तो ऐसे नेम्स लिखने हैं आपको जिसके नंबर ऑफ नेम्स यानी कि दो चार जितने भी नेम आते हैं वैसे आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, सेम लेटर आगे से स्टार्ट होते, देखो तो राम और रहीम ये दोनों नेम है, तो दोनों नेम के आगे RA RA है, तो राम एंड रहीम लिख सकते हो। दूसरा है रमेश एंड राकेश लिख सकते हो, तो RA MESH। दूसरा है RAKESH, तो RA RA दोनों के आगे होता है। ओके, तो ऐसे आप जो भी याद आए वो नेम्स आप दो नेम्स लिख, दो चार छः एक जैसे जितने भी लिखने हैं वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है बनाना, एप्पल, ऑरेंज, फ्रेश फ्रूट फॉर यू, ये हमारे के लिए देखो ये फ्रूट आए हैं, फ्रूट सेलर, द फ्रूट सेलर हैज़ मैनी फ्रूट्स फॉर यू, आपके लिए ये कितने सारे फ्रूट्स लेके आए हैं, लुक एट देम एंड फाइंड आउट व्हाट द डिफरेंट फ्रूट्स, आप देखो कितने डिफरेंट यानी कि अलग अलग फ्रूट्स है। ओके, तो ऑरेंज है, बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, ये सब जो जो फ्लावर जो जो फ्रूट्स है वो आपके लिए दिए है, आप उसको ऑब्जर्व करो और देखो। नेक्स्ट है काउंट एंड राइट, तो फ्रूट्स दिए है तो जो बास्केट में है उसको आप यहाँ सामने आपको काउंट करने हैं और लिखने हैं, तो यहाँ एप्पल कितने है, 4 है, तो आपको सामने लिखना है 4। बनाना कितने है, 5 है, तो आपको लिखना है 5। ऑरेंज कितनी है, 3 है, तो आपको लिखना है 3। ओके, अब है हेयर स्टाइल, माला इज गोइंग टू स्कूल, माला स्कूल पे जा रही है, हर मदर हैज़ कॉम हर हेयर, उसकी माता उसके हेयर कॉम्ब कर रही है, माला हैज़ 2 पोनीटेल्स, माला को कितनी पोनी है, 2, स्कूल के अंदर कंपलसरी होती है ना कि 2 पोनी लेके आनी है, तो माला को 2 पोनी है। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपके क्लास के बच्चों को देखो, ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, ओके, लुक एंड राइट डाउन, तो सब चिल्ड्रन है वो अलग अलग तरीके से हेयर कॉम्ब करके आए है, सबके फेस को अलग अलग सूट होते हैं और हेयर स्टाइल होती है, उसके अंदर भी कितने तरीके से हम अलग अलग हेयर कॉम्ब करते हैं, तो हेयर स्टाइल देखो पहले ही जो बच्ची है, ओके, तो ऐसे कितने चिल्ड्रन है आपके क्लास में, तो ये आपके क्लास के अंदर से आपको अलग, मैंने सपोज के देखा कि ऐसे 1 पोनीटेल लेके 6 बच्चे आए, तो आपको इधर लिखना है 6, ऐसे 2 ऐसे चोटी बना के आए, ऐसे 2 चिल्ड्रन है, तो आपको लिखना है 2, ऐसे जो बॉयज़ होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्टाइल होती है, ओके, तो ऐसे बच्चे 9 है, तो आपको लिखना है 9, ओके, तो ऐसे अलग अलग हेयर स्टाइल है उसका काउंट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ 1 पोनीटेल है इज ब्लैंक्स देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ, तो मोर ज़्यादा है, तो आपको लिखना है मोर, और ब्लैंक्स चिल्ड्रन है क्योंकि आगे हमने पहले 1 पोनीटेल में कितने नंबर लिखे, 6 लिखे, और 2 ये जो चोटी बनाई है वो कितने है, 2 है, तो मोर कौन हुआ, ये चोटी वाला, तो आपको लिखना है मोर, और कितने चिल्ड्रन है जिसको ऐसे, तो 9 चिल्ड्रन, हमने आगे क्या लिखा,
नाइन चिल्ड्रन, तो यहाँ आपको लिखना है नाइन चिल्ड्रन है जिसको ऐसी स्टाइल है। अब है सू नंबर्स, लुक एट द फीट ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास, आपके बच्चों के क्लास के चिल्ड्रन है उसके फुट देखो, एवरीबडी इज वेयरिंग शूज चप्पल्स एंड सैंडल्स, ओके, तो स्लीपर्स होते हैं, चप्पल होते हैं, शूज होते हैं सबके पैर में देखो। लुक एट द सोल ऑफ द शूज फॉर चप्पल्स, तो उसके सोल से वो अलग अलग होते हैं देखो। इफ देयर इज अ नंबर ऑन द सोल इट इज योर शू साइज, आपके जो नंबर होते हैं वो शू के साइज होती है, वो चप्पल के ऊपर लिखे होती है। तो 9, 10, 11, ओके, तो यहाँ आपको लिखना है 12, 30, ओके, तो कितनी साइज है, कितने बच्चों हो जिसकी साइज 9 है तो वो लिखो, इन केस 10 है तो 5, 11 है तो 6, 4, 2, ओके, तो ऐसे आपको लिखना है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी हैव 9 साइज शूज, तो क्या लिखा हमें 9 के अंदर, कि 9 के अंदर ऐसे बच्चे हैं जिसको 10, तो यहाँ आपको लिखना है 10 चिल्ड्रन। 11 साइज किन किन बच्चों की है, कितने बच्चे हैं ऐसे, तो लिखना है 5। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव, लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव कितनी साइज शूज की है, तो लार्जेस्ट नंबर है 9, ओके, 9 है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव 9 साइज शूज, ओके, 9 साइज के शूज है, सबसे ज़्यादा है 10, तो 9 लिखोगे इधर, क्या लिखोगे 9। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव कितनी साइज का शूज होता है, तो सबसे कम है 13 साइज, ओके, तो सिर्फ 2 चिल्ड्रन ऐसे है कि जिसको 13 साइज है, तो यहाँ लिखोगे 2, ओके। नेक्स्ट है वाटर वी ड्रिंक, वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, आस्क योर फ्रेंड्स हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर दे ड्रिंक इन अ डे राइट बिलो, तो ऐसे कितने चिल्ड्रन है कि वो जो कितना पानी पीते वो आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक ग्लास पानी पीता है, इनकेस 3 चिल्ड्रन ऐसे है जो 1 ग्लास पीता है, 4 चिल्ड्रन ऐसे है जो 2 ग्लास, 8 चिल्ड्रन ऐसे है जो 3 ग्लास पानी पीता है, 9 चिल्ड्रन ऐसे है जो 4 ग्लास पानी पीते हैं, ओके, एंड 10 स्टूडेंट ऐसे है कि जो 5 ग्लास पानी पूरा डे में यानी कि एक दिन में पीते है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर इज, तो 1 ग्लास सिर्फ पीता है ऐसा कितने स्टूडेंट है, 3, तो यहाँ लिखना है 3। 5 ग्लासेस ऑफ वाटर इज ड्रंक बाय 5 ग्लासेस पीते हैं ऐसे कितने चिल्ड्रन है, 10 चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो ड्रिंक 3 ग्लास, तो 3 ग्लास पीते हैं ऐसे कितने चिल्ड्रन है, 8, कितने है 8। एंड वो ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, ओके, तो मोर या लेस, तो मोर, ओके, सो द कलर यू लाइक, ओके, तो देर आर मैनी कलर्स अराउंड यू, आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द कलर दे लाइक मोस्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक येल्लो, राइट द नंबर इन द टेबल, फिल इन द, तो येल्लो है, रेड है, वाइट है एंड ग्रीन है, तो येल्लो कलर कितने चिल्ड्रन है ऐसे पसंद हो, तो 9 है, रेड कलर किसको पसंद है, 11, वाइट 8 एंड येल्लो, तो सॉरी ग्रीन है तो वो है 12 चिल्ड्रन। तो ऐसे ये कलर करके आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक ग्रीन कलर, ओके, क्योंकि ग्रीन के अंदर हमने लिखा है 12, ओके, तो मोस्ट चिल्ड्रन को लिख पसंद है ग्रीन कलर। चिल्ड्रन वो लाइक ब्लैंक्स कलर आर मोर देन चिल्ड्रन वो लाइक ब्लैंक्स कलर, ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन सा, ये अपने आपको ट्राई करनी है। इधर मैंने आपको नंबर दिए है 9, 11, 8 एंड 12, तो मोस्ट हो तो मोस्ट हो तो क्या आएगा 12, लिस्ट हो तो क्या आएगा 8, कंपैरिजन हो तो माइनस करना होता है, किसको किससे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद है, तो वो आपको ये करके अपने आप ट्राई करनी है, ओके, थैंक यू।